आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनाय डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। प्रिय दर्शकों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भाई हमारे लिंगो टीवी जंगोम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारे हर वो नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए आज हम बात करेंगे हमारी रूढ़ी परंपरा के बारे में। रूढ़ी परंपरा में हमारी एक व्यवस्था रही है, जिस व्यवस्था चाहे देखा सीखी में हो, चाहे अन्य धर्म के संपर्क में आने से हो, आज वर्तमान में हमारे लोग करते हैं। उसके बारे में आज हम तर्क करेंगे, उसके बारे में आज हम आप लोगों के सामने विचार करेंगे। तो वह क्या चीज है? तो वह जो व्यवस्था जिसको हर लोग कहीं ना कहीं उसको पालन करते हैं या फिर उनको मानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो हमारी रूढ़ी परंपरा है। मेरे जो अनुभव ये कहता है कि वो हमारी रूढ़ी परंपरा में नहीं है, लेकिन आज हमारी लोग उसको रूढ़ी परंपरा में ला दिया गया। तो वह ऐसी क्या व्यवस्था है? तो वैसी एक व्यवस्था है, कोई भी आदमी मरते समय मरता है, अने वो अंतिम स्टेज में है, मर रहा है, उस समय हमारे लोग क्या कहते हैं? समरा खिला दो, सामरत खवा दो, सामरत खिला दो। तो ये सामरत खिलाने की जो व्यवस्था बनी, कोई आदमी अंतिम स्टेज में है, मरने वाला है, उसको सामरत खिलाया जाता है, और सामरत खाने के बाद वो मृत्यु हो गया तो लोग कहेंगे चलो सामरत तो नसीब हुआ उनको, उनकी किस्मत। और कोई आदमी ऐसी मर गया बिना सामरत खाए हुए, जो कहेंगे इतना मरना भी मत दे भगवान कि सामरत भी खाए, की नौबत नहीं आए, नसीब में नहीं। तो इस प्रकार से जो थिंकिंग है हमारे लोगों की, आप घर में तो देख रहे हो उनको, क्या सामरत जो खिलाने से क्या होता है? कई लोग दही को खिलाते हैं, कई लोग तुलसी पत्ती और दही को खिलाते हैं, कई लोग गंगा जल को पियाते हैं कहते हैं, और कई लोग सोना की धातु, चांदी की धातु में भिंगो करके उस तेल वो पानी में जल में डुबो के उसको। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है हमारी गुंडियन जो रूढ़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं नकल का व्यवस्था है, जो हमारे लोग इनको अपनाते चले गए। ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पहले सामरत खिलाना, ऐसी व्यवस्था कहां से होगा? मृत्यु को कोई जानता है क्या कि कोई सामरत खिलाएगा पहले से? तो ये जो है विषम परिस्थिति में आया जाता है, जिसको विषम परिस्थिति में ये जो व्यवस्था की जाती है। कोई आदमी तड़प तड़प के घूट घूट के मर रहा है, उसको जल्दी मारने के लिए ऐसे करते हैं, तो उसको जल्दी मारने के लिए सामरत खिला देते हैं, ऐसे लग रहा है मेरे को। ऐसी नहीं है, विषम परिस्थिति आई, कोई घुट घुट करके मर रहा है, बीमार हो गया है, एकदम असाध्य बीमार से, मतलब ग्रसित हो गया। अब उनकी जो स्थिति को लोग देख नहीं रहे हैं, तो उसमें जो मारण तारण विधि के अनुसार बैगा गुनिया लोग उस विधि के अनुसार एक विशेष गोंगो करके उनकी जो शक्ति को, जो उनकी जो पेन शक्ति को जो हारनी करके उनको पंच तत्व में विलीन करने के लिए आह्वान करते हैं, जो हारनी करते हैं, ताकि वो पंच तत्व में जल्दी विलीन हो जाए। और इस प्रकार से हमारी सामुदायिक व्यवस्था है। बाकी गंगा जल, तुलसी पत्ती और क्या बोलते हैं, अभी तो गीता पाठ सुनाते हैं, ये भी बहुत दुख की बात है भाई, कान में जाके गीता पाठ को सुनाते हैं कि मरने के समय में, और ये भी व्यवस्था हमारे लोग अपनाते हैं। तो ये सब चीज करना, गीता पाठ को सुनाना, गीता पाठ करके सुनाना, तुलसी को पिलाना, गंगा जल पिलाना, सामरत पिलाना, ये हमारे लॉजिक में नहीं है, हमारी मान्यता में नहीं है, इसको हमारे लोगों को पालन नहीं करना चाहिए। और विषम परिस्थिति आ गई मरते समय, बहुत दिन तक हुए खाट में अगर वो पच रहा है, तो उसके लिए हमारे बैगा भूमिकाओं के द्वारा उनके पंच तत्व मिलन होने के लिए, विलय करने के लिए, विलयन हेतु परम शक्ति प्राप्त को जो हारनी किया जाता है, पंच तत्व को जो हारनी की, जिससे वो में विलय हो जाती है। इस प्रकार से व्यवस्था हमारी में है और इसको हमारे लोग करते आए हैं। अब इसमें गंगा जल को जोड़ देना, सामरत को जोड़ देना, तुलसी पत्ती को जोड़ देना, या फिर
गीता की पाठ सुनाना, ये सब जो है वैदिक व्यवस्था है। और मैं तो इस व्यवस्था के ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, मैं तर्क कर रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था को लागू करने से क्या होगा, क्या है साम्राज्य खिलाने के पीछे, क्या ऐसी दर्शन है, क्या ऐसी रहस्य है कि कोई व्यक्ति को जल्दी मारना इसलिए साम्राज्य खिलाते हैं, कि कोई व्यक्ति को तड़पते देख नहीं रहे हैं, या फिर कोई आदमी को अगर बिना साम्राज्य खाए मृत्यु हो गया तो क्या वो उनका कुंडा नहीं मिलेगा है? अगर इनके पीछे कुछ ऐसे रहस्य होता तो बिना साम्राज्य खाए हुए व्यक्ति को फड़ा पेन कुंडा में नहीं मिलाता, और जो साम्राज्य खाए के मरे हैं उनको कुंडा मिला। वो सब चीज तो कॉन्सेप्ट हमारे में आता ही नहीं उस समय। कुंडा की जो पेन व्यवस्था में जब मिलान की व्यवस्था आती है तो उस समय हमारी अंदर में यही जो ये आती है कि कोई दुर्घटना में मृत्यु हुआ है उसको फड़ा पेन जो है बुढ़ादेव जो है कुंडा में नहीं मिलान करते, बाकी सबको मिला लेते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारी जो मान्यता में है, हमारी जो रूढ़ी परंपरा में है, जिसको हम पालन करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो नकल चोर की काम करते हैं तो नकल चोरी का काम करना बंद कर दीजिए और अपनी मूल परंपरा को मानिए। फिलहाल आप सभी को आज के लिए इतना ही। सादर सादर, सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जोहार गुणवाना, जय लंकेश।